नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आयुर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टप्रकाष्ठं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणेश मंगलम कुंजकुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतुशासनम जेझायाझानग्रहे तम कलंकग्रहे नित्यनिरंजनानमयतो परमपणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे। जिन वचनों का आदर अर्थात छह डाला में से बोलो सो संबर आदरिये, ऐसे का आदरो, ऐसे का आदरो, कौन सी चीज पीछे से बोलना पड़ेगा, कौन सी चीज आगे तो कहेंगे जोलो न जोग जरा कहे तोलो जटित निज हित करो, ऐसे का आदरो कौन सी सीख आदर हो सैडाला से पूरी छाला कहे सीख गुर करुणा धार, यह सिख आदर हो इस सीख को या जिन वचनों का आदर करो। आदर करने का अर्थ है स्वीकार करना। आओ भैया भोजन कर लो, अब हम नहीं करने, हम कर आए, ये आदर नहीं हुआ। आदर का मतलब है स्वीकार करना, कुतर्क करके काट देना ये अनादर है। कुतर्क करके काट देना क्या करें भैया, स्वाध्याय किया करो। आदर करने का मतलब ठीक है तो करेंगे, करने लगे ये नहीं है क्या करें टाइम नहीं मिलता। भावना तो बहुत है, कई बार सोची कहते तो भी पंडित जी आए थे देवी कह रहे थे, अब सोचेंगे विचार करेंगे ये अनादर होगा। एक साधर्मी भाई थे, अब तो शांत हो गए, आते थे बैठते थे वहीं, लेटते भी थे कभी कभी, सेवा भी करते थे। एक दिन हम नहा धोकर के तैयार हुए, सुबह आए, हमने कहा भैया अब बहुत दिन हो गए, अब ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, संयम धारण करो। बोले सोच तो हम रहे थे पर स्वीकार ले लिया। अब उसकी विधि मंदिर में होगी वो होगी वो अलग व्यवस्था, उससे कोई मतलब ले लिया ये नहीं। अब घर से तो पूछ लें हैं, बताएंगे सोचेंगे विचार करेंगे कुछ नहीं हैं। घर पर जाकर के कहा, घर से बोली के पूछ तो लेते कि क्या पूछने हैं, ये छूटेगी तो पूछ के छूटेगी, ये वस्तु का परिणाम पूछ पूछ करके हो रहा है। पूछे तो पूछते ही रहे, प्रवचन सार जी में एक चर्चा आई है, जो दुख से छूटना चाहते हैं वे इस प्रकार मेरी आत्मा ने श्रमण को स्वीकार किया अंगीकार किया उसी प्रकार वे भी श्रमण को अंगीकार करें, उसकी विधि हम बता रहे हैं। बंधु वर्ग से विदा लेकर के फिर गुरु के पास जाकर
पंचाचारों की प्रतिज्ञा करके है? समस्त परिग्रह आदि त्याग कर अपने आत्मस्वरूप की ओर उपयोग लगाया, उपस्थित होना माने आत्मा के सन्मुख हुआ, यही तो विधि है। वहां पर वर्ण वर्ग से विदा लेने की चर्चा है, कुछ कोष्टक में लिखा है, टीका में कुछ कोष्टक में लिखा है, 4-5-6 लाइनें हैं, बोलो। यहां जो माता पिता स्त्री पुत्र आदि को जो संबोधन किया है, मैं अपने अनाज जनक के पास जा रहा हूँ, अनाज जननी के पास जा रहा हूँ, अनाज रमणी के पास जा रहा हूँ, सीधी बात है, आत्मा के पास जा रहा तमेव माता च पिता तुम्हें वह तमेव बंधु च सखा तुम्हें वह। अध्यात्म शैली में कहें तो आत्मा ही माता है, आत्मा ही पिता है, आत्मा ही बंधु है, आत्मा ही सखा है, आत्मा ही स्त्री है, आत्मा ही पुत्र है। ये महाराज जी का कह रहे, कैसे इन सब का अवलंबन जीव सुखी होने के लिए ही तो करता है। जब हमने आत्मा का अवलंबन लिया, आत्मिक सुख का स्वाद आया, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। एक बालक की माँ चली गई कहीं बाहर, अब उसने सोचा क्या करें, रोटी बनाना, बगल में गया चाची ने कहा आटा दे दो, काहे बेटा, कि मम्मी चली गई है तो रोटी, अरे बेटा तो रोटी यहीं खा लेना, अब तुम कहाँ बनाओ चार रोटी, कहाँ परेशान हो गए, यहीं रोटी खा लेना। अब बताओ आटा चाहिए के दाल चाहिए के सब्जी चाहिए के पानी चाहिए के चूल्हे की आग चाहिए के मसाले चाहिए के घी चाहिए, बता क्या चाहिए, रोटी खत्म हो गई। अरे भाई पेट भर गई के लिए, अब जब रोटी मिल गई और कहा आटोदार सब्जी खाता नहीं। कोई शास्त्रीय दृष्टांत याद है, कलस्ती काम है, इसको चिंतामणि रत्न मिल गया, वो सोना तांबा लोहा पीतल इकट्ठा करेगा, क्या करने है? दुख का भाव ही पर का अवलंबन कराता है, दुखी ही जी पर की ओर देखता है, कोई सुखी जी पर की ओर देखता हुआ बता, सब एक दूसरे की ओर देख रहे कि सब दुखी हैं, यही तो बात। 24 तीर्थंकरों में कौन से तीर्थंकर दूसरे की तीर्थंकरों की ओर देख रहे बता, 20 तीर्थंकरों में कौन से तीर्थंकर दूसरे की ओर देख रहे बता, माता से तुम्हें क्या मिलेगा, आत्मा से सुख मिलेगा ना। आत्मिक सुख की प्राप्ति होने पर फिर न माता की जरूरत, न पिता की, न धन की, न कुटुंब की, न परिवार की, न बंधु की, न सखा की, सब खत्म हो गया। आत्मा के लिए सब छोड़ोगे तो आत्मा मिलेगा, और आत्मा मिलने पर ये सब सहज छूट जाएंगे। आत्मा के आश्रय से ये सब छूटेंगे, ये अध्यात्म शैली है, और इन सबको छोड़ करके आत्मा की प्राप्ति कर पाओगे, ये चरणानुयोग की शैली है, व्यवहार में परमात्म प्रकाश में दोनों शैलियां आपके स्वाध्याय में चली। विषयों का चिंतन करके जो आया, विषयों का चिंतन छोड़कर परमात्मा का ध्यान कर, विषयों का चिंतन छोड़कर, विषयों का चिंतन करते हुए भी और थोड़ी देर के लिए आत्मचिंतन भी कर लो, विषयों का चिंतन छोड़कर, परिग्रह छोड़कर मुनि हुआ जाता है, कि मुनि होने का लक्ष्य होने पर परिग्रह छूटता है, राग होने पर, राग छूटने पर परिग्रह छूटेगा, लेकिन परिग्रह छोड़ करके फिर मुनि होने का क्रम बनाते, ये चरणानुयोग शैली है। शैलियों का अंतर समझना चाहिए।
चोरी चोरी से कोई विद्या नहीं सीखी जाती, पानी में घुसे बिना कोई विद्या नहीं सीखी, तैरना नहीं सीखा जाता। तो हमें करना है, हमें सीखना है। अभिमान से कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं सीखा जा सकता, अभिमान को तोड़ दो। निवेदन करना सीखो, धर्म के लोभी याचक जी, याचना करना सीखो, याचना परिचय बाद में सहना। भोगों की तो याचना करता है, जरा नींबू दे देना, जरा नमक दे देना, जरा बूरा दे देना, जरा न घी और दे देना, जरा मलाई दे देना, दवाई चाहिए। वहां तो याचना परिचय नहीं सहन करेगा, यहां याचना परिचय चुपचाप, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिल जाए तो नहीं। यहां याचना करना चाहिए, वहां तो याचना नहीं है, और यहां याचना नहीं करना चाहिए, वहां याचक होगा। धर्म की याचना नहीं करेगा तो भोगों की भिखारी बनेगा ही, नियम की बात है, नियम की बात है। जो धर्म का याचक नहीं होगा वो भोगों का भिखारी होगा। एक बात पहले कही थी, कल एक प्रसंग आ गया है शायद, बोले अब छोटे छोटे लोग सब लोग टोंकने लगे, सब टोंकने लगे, सब टोंकने लगे। मैंने कहा भैया गुरु की टोंक नहीं मानोगे तो सब तुम्हें टोंकेंगे। अगर गुरु की टोंक का आदर किया होता तो तुम्हें कोई नहीं टोंक सकता था, क्यों सुधर जाती तुम्हारी प्रवृत्ति। लेकिन जब गुरु की टोंक नहीं स्वीकार करोगे, सीधे बैठो बुरे लग गया, अब चाहे कोई टोंकेगा ही, भाव क्या बात। तो वहां कोष्टक में क्या लिखा है कि जो माता पिता से कहा है जननी, शरीर की जननी, मैं अपनी अनाथ जननी के पास जा रहा हूं आत्मा, हे रमणी तू आत्मा को तो रमण कराती नहीं, हम अनाथ स्वानुभूति रमणी के पास जा रहे हैं। क्या मतलब है अनादि स्वानुभूति, क्या मतलब हुआ? कारण स्वानुभूति, कारण शुद्ध पर्याय है, लेना चाहिए। अनादि से स्वानुभूति होती तो संसार में काय को रहे होते। स्व है, ज्ञान भी है, लेकिन स्व का ज्ञान नहीं अनादिकाल, स्व का स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ। अगर स्व का स्वरूप ज्ञान हो जाए तो मोक्ष मार्ग हो जाए। तो कोष्टक में टीकाकार ने एक विषय लिखा, यहां ऐसा मत समझना कि माता पिता से आज्ञा लेकर के ही मुनि हुआ जाता है। अगर ऐसे तो कोई माता पिता आज्ञा नहीं दें तो फिर मुनि नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्यों संबोधन कर रहे हैं? कि हम संबोधन इसलिए कर रहे हैं कि अगर कुटुंब में और कोई वैरागी जी हो तो वो चला तो भैया से घर भी जा रहे, जाके ले नहीं जाए, कह रहे कि तुम कह दो अगर मत जा तो हम न जाए। अगर तुम चलने हो तो चलो, हम तो जाओ। आप घरों में कई बार गड़बड़ कर देते हैं शैली में, हैं भैया चलो जल्दी चलो प्रवचन को, चलो प्रवचन को चलो, अब नेक रुको नेक रुको, उनके कहने से रुक जाते अपन लेट हो जाते, तुम्हें आने हुए आ जाइयो हम जे चले, तब वो भगेगा। तुम्हें आना हो आ जाओ, नहीं हम तो हम तुम्हारे कहने से आओ, हम नहीं रुकेंगे। समाधि मन में भी यही है, तुम भी मोह छोड़ो अगर दुखी नहीं होना है, हम तुम्हारे मोह में अपना मरण नहीं बिगाड़ेंगे, कुमरण नहीं करेंगे। हमने तो भगवान जिनेन्द्र देव के वचनों के द्वारा तत्वों का स्वरूप पहचाना, हमारे मोह का अभाव हुआ, मोह चारित्र मोह मंद हुआ, हम नहीं संसार में रहेंगे और तुम्हें कल्याण का हम का करें कि तुम मोह छोड़ो तुम जारी मारेंगे। मनोदया कहने लगी और हम का करें कि हम का करें, तुम आ जाओ तुम्हारे का हो जा, हम मुनि हो रहे तुम्हारे का हो जा और का करो, और नहीं तो रो मुंह में हम का कर दे। हम तुम्हारे राग में फंस करके रुक करके अटक करके अपना आत्महित का अवसर थोड़ी छोड़ देंगे। मृत्यु का क्या ठिकाना,
देह छूट जाए, सब छूटेगा। छूटने अवश्य छूटने वाले इन संयोगों के छोड़ने में क्या तो यह सिर्फ आदरों, आदरों का मतलब स्वीकार करना, अंगीकार करना, स्वीकार करना, ये शब्द आते इसका अर्थ क्या है? अभिन्नता करना, अपनत्व करना। ये अहो ये तो मेरे हित की बात है, ऐसा तो मेरा ही स्वरूप है, इसमें तो मेरा ही कल्याण है। आदर करने का मतलब, आदर करने की एक अर्थ एकदम स्थूल अर्थ असद्भूत व्यवहार नय का स्तुति में लिखा है, बोलो जिनवाणी स्तुति में आ गया। श्री जिन की ध्वन दीप सिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पांच कहां लेते रहते अविचारी। या विधि संत देखो आदर, या विधि संत कहें धन है जिन बेन बड़े पुकारी। या सुच शारद गंग नदी पति बोलो, मैं अंजुल कर शीश धरी है। ये वचन से आदर हुआ, मन से आदर, वचन से आदर, काया से आदर, ये सिख आदर। निर्माणी को कभी नीचे नाभि से नीचे मत रखना। कई मंदिरों में हैं छोटे छोटे पाटे, और अब तो क्या कहें, वो स्टील के पाटे चल गए ना, स्नान घर वाले पाट, उन पाटों पर पूजा कर दे अच्छी बात नहीं। अगर कहीं आपको चौकी नहीं मिले तो कम से कम पाटे के ऊपर पाटा रख लो। नाभि से नीचे कभी जिनवाणी या पूजा की द्रव्य या कुछ नाभि से नीचे नहीं। स्टूल पर बैठना होता है कई बार है, स्टूल के ऊपर रख लो, एक चौकी के ऊपर चौकी, मतलब हमारी जिनवाणी ऊपर रहना चाहिए। कक्षा की व्यवस्था अलग है, कक्षा में हर व्यक्ति की जिनवाणी अपने अपने ऊपर है। अब वक्ता तो बेचारा खड़े होकर के तो इतना पढ़ाएगा नहीं, तो बैठेगा तो वो अलग व्यवस्था है। देखो अब वो कॉपी आप रख करे, हम यहां रखे, वो भी जिनवाणी हस्तलिखित जिनवाणी है, लेकिन अपने अपने स्थान पर, लेकिन अनावश्यक रूप में। हम शास्त्र क्यों हटवा देते, तुम वैसे देखा भी बाद में तो लिखी है ही नहीं, जरूरत नहीं। लेकिन जब वाचना हो रही है तो आपको शास्त्र रखना चाहिए, उसमें देखना चाहिए, घर जाकर के पढ़ के आना चाहिए, दोहराना चाहिए, मिलाना चाहिए। अगर का मतलब है उसे आत्मसात करने का प्रयत्न करना, सुनी और टाल दे, निग्लेक्ट कर दी, अपने काम में लगे, क्या करना कई हो। यह सिख आदर हो, जिन बचनों का आदर करो। इसका कलश टीका के आधार से अर्थ बोलो, जिन बचन में कहे हुए तत्वों को स्वीकार करो, अपने की आत्मा को स्वीकार करो, अपने अंदर अपना सुख अपने में है इस बात को स्वीकार कर लो, भटको मत, अपने उपयोग को भटकाओ मत, अपना सुख अपने में। पैसा इकट्ठो कर लो, क्या करोगे, छोड़ के चले जाओगे, कुटुंब परिवार छूट जाएगा, देह का पोषण करते रहो, देह भी पुष्ट नहीं होगी, देह क्षीण होगी आके, और छूट जाएगी एकदम, बताओ क्या करोगे। यह सिखा करो कि भैया देह की ममता में मत बोलते, भोगों की आसक्ति से अपना समय बर्बाद मत करो, विकथा में अपना समय मत खो, मौन रहो, नमोकार मंत्र पढ़ लो, दो मिनट में क्या होता है, बड़ी स्तुति पढ़ लो, कोई पाठ कर लो, अपना उपयोग लगाए रहो, भटकाओ मत, बिकथा में मत। जिंदगी थोड़ी है, जंजाल लंबा है,
छोड़ा करो, सीमित करो, ज्यादा कमाने में लगे रहो, फिर ज्यादा फालतू खर्च करो विलासताओं में। नहीं, भव भय भीरता के कारण परिग्रह के विस्तार को अब तो छोड़ो। है? तुम्हें संसार से डर लगता है, दुखों से डर लगता है, तो परिग्रह का विस्तार मत करो, जितनी जरूरत है वो तो नहीं। तुम 5 गज की धोती पहन रहे, मान लो 8 गज की धोती दे दे तुम्हें, पहनो, कबूतर लट गई का हो बोला, क्या होगा बता। ऐसे आदर हो अपना एक एक समय, जैसे देशभक्त सैनिक क्या कहता है, हमारे देश खून की एक एक बूंद देश के लिए है, ऐसे हमारा जीवन का एक एक समय, हमारे उपयोग की बुद्धि की एक एक का सारी बुद्धि इसमें लगा, क्या हम इस बात को स्वीकार कैसे करें, निग्लेक्ट कैसे करें, टालें कैसे, बदलें कैसे, ये मत सोचो। यहां हम लगें कैसे, हटें कैसे, बच कैसे जाएं, ये मत सोचो। चालाकी होशियारी की अब मार्ग नहीं है ये, ध्यान रखना। यहां से जो समय शक्ति बुद्धि धन समय जो भी आजाद है, तो यहां से बचेगी तो पाप में लगेगी आपकी। यहां से बचाने की कोशिश करेगी पाप में लगेगी, फिर विकथा करोगे, फिर दुर्विकल्प करोगे, परिग्रह की संभाल में लगे रहोगे, हमें कोई पूछता नहीं है, इस प्रकार से दुखी होगे। यहां से बचने का मतलब, यहां से विमुख होने से, अध्यात्म शैली बोलो, आत्मा से विमुख होने पर, आगम शैली बोलो, देवसास गुरु से पीठ करने पर दुख का द्वार खोलता है। समझ माया, आत्मा से अथवा व्यवहार में से आत्म स्वरूप को दर्शाने वाले देवसास गुरु से विमुख होने पर दुख का द्वार खुलता है, पाप होता है। अपन उठे और चले, अब क्या करोगे, दुख का द्वार खुलेगा। जो केवल क्रियाओं का पक्ष लेकर के भी, रूढ़ी की क्रियाओं का पक्ष लेकर के भी अपने गुरुजनों को तड़पता छोड़ देते हैं, अकेला अब हम पूजा करवे जा रहे, अब हम स्वाध्याय करवे जा रहे, अब हम माला फेर रहे, अब हम पाठ कर रहे, अब हम ये कर रहे, और भी तड़प रहे, वह अकेला ही तड़पता है। फिर पुकारने पर भी कोई समीप नहीं आता, अकेला तड़पता है वह जाकर। काय की पूजा तुम्हारी, भगवान ने क्या कहा है, तुमने जे थाली का द्रव्य वो थाली में चढ़ा दिया, जा जिनवाणी की लेकर के मुंह से बोल दी, अकड़ करके और अभिमान से, तो तुम्हारी पूजा हो गई, हम पूजा कर रहे दिया बने, अब हम क्या करें, तो पूजा ना करें। अरे सच्ची पूजा करो ये कह रहे, तो स्वाध्याय नगर हमें टेम ही नहीं मिल पाए, बता हम जाई में लगे रहे, दूसरा लगा रहे तो कोई तकलीफ नहीं, हम जाई में लगे रहे, तो हम स्वाध्याय न करें, सास धर के बैठ लिया और पढ़ लिया, स्वाध्याय हो गया। ये ऐसे आदर, हे भाई, भगवान के वचनों का, मैं कहे हुए तत्वों का स्वीकार करो, मैं आत्मा हूं ये स्वीकार करो, ये मत सोचते, देह की भिन्नता को स्वीकार कर लो, संयोगों की अनित्यता को, असरणपणे को स्वीकार कर लो, होनी को स्वीकार करो, उससे पहले है को स्वीकार कर। क्या भाई, वस्तु के क्रमबद्ध परिणमन को स्वीकार करो, ये ऐसे आदरों का ये अर्थ होता है। भगवान ने क्या कहा बता, भगवान ने देह को भिन्न कहा, स्वीकार कर लो, चुपचाप मान लो, मानो पूत बड़न की सीख, नहीं तो है कटोरा मांगो भीख, स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे आदरों का मतलब
हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अरे तुम प्रैक्टिकल बाद में करियो, पहले थ्योरी समझ ले। वो राग द्वेष की हेता को, दुख के कारण को स्वीकार करो। दुख के यही कारण है, दूसरा कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हें तुम्हारा अभिमान नहीं सीखने दे रहा। एक लड़की जिसका विवाह हुआ, घर पहुंची ससुराल अपने, उसे बहू बने का व्यवहार किसने सिखाया, कैसे सीख जाती है बता? अनुभूति बदलने से सारी परिणति बदल जाती है। पिता और उसके ससुर ग्रामीण संस्कृति का दृष्टांत है। अब शहर में तो एक ही व्यवस्था हो गई, सूट पहनती है चाहे पिता के सामने पहने चाहे उनके सामने पहने, वो कुछ फर्क नहीं पाते। लेकिन अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पिता और ससुर एक ही उम्र के तो हैं लगभग। पिता के सामने पिता जैसा व्यवहार और माँ के सामने वो क्या नाम ससुर के सामने ससुर जैसा व्यवहार कैसे हो जाता? वहां लगता है मैं बहू हूं, वहां लगता है मैं लड़की हूं, अंदर हो गया। मायके में अलग जैसा व्यवहार क्यों हो जाता है, सासुरे में अलग जैसा व्यवहार क्यों होता है बता? स्वच्छंद क्यों फिरती हैं? हम ये कहते हैं मायके में भी स्वच्छंदता से नहीं पहनना ओढ़ना चाहिए, नहीं स्वच्छंदता से फिरना चाहिए। क्यों? मर्यादा से पहनना, मर्यादा से रहना, मर्यादा से बोलना, मर्यादा से खाना पीना, चलना उठना, ये शील की सुरक्षा के लिए है। इसमें मायका और ससुराल कहां से आ गई? मैंने मामा माय को ऐसे चाहे कैसे फिर रहे, ये कोई बात रही? जो नहीं करने लायक है वह कहीं करने लायक नहीं है, जो खाने लायक नहीं है वह कहीं खाने लायक नहीं है, जो अपना मानने लायक नहीं है वह कहीं अपना मानने लायक नहीं है। और दूसरा शब्द बोलो, दूसरा शब्द बोलो, कभी अपना मानने लायक नहीं। जो अपना नहीं है वह कहीं अपना मानने लायक नहीं है, कभी अपना मानने लायक। जो अपना है वही अपना है, वही अपना मानने लायक। घर में रहो तो भी अपने को ग्रस्त मत मान लेना, अपने को आत्मा ही मानना, तभी तुम्हारा मुख्य मार्ग चलेगा, नहीं तो मुख्य मार्ग नहीं चलेगा। और घर में अगर रहते हो और आप अपने को सर्वथा ग्रस्त ही मान बैठे, अपन तो ग्रस्त आदमी, तो आपकी प्रवृत्ति फिर संयम के विरुद्ध होगी। अब क्या कर, हम कौन व्रती है? अपन तो सामान्य ग्रस्त आदमी, सामान्य ग्रस्त, सामान्य ग्रस्त माने चाहे कुछ करेगा ऐसा थोड़ी ही होता है। साधारण श्रावक भी अष्टमूल गुणों का धारी और सप्तदर्शनों का त्यागी होता है। अष्टमूल गुण में सम्यक तो है कि नहीं? बिना सम्यक के अष्टमूल गुण हो गए? ऐसे लटके झटके में सरल मत बनाओ कि मध्यमास मधु पंचोदम्बर का त्याग हो गया। नहीं, भगवान की आज्ञा से अहिंसा के पालन के लिए, आत्म कल्याण के लिए त्याग करोगे तब तुम्हारा मूल गुण होंगे। मूल में मूल गुण, मूल तो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन में ना मक्का से मूल गुण आ जाएंगे। अब ये बात अलग है, शरणानुयोग में देवसास गुरु की श्रद्धा रखो, लेकिन मूल गुण का मतलब ये थोड़ी है बस साधारण सावक। आप जैसी अनुभूति करोगे वैसी आपकी प्रवृत्ति होगी। आत्मानुभूति के बिना मोक्ष मार्ग रूप प्रवृत्ति नहीं ही होती। आत्मानुभूति होने पर मोक्ष मार्ग रूप प्रवृत्ति होती ही है। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। तो यह सिख आदरो, देह की भिन्नता को बड़ी आदर से स्वीकार करो। बात तो ठीक है, बात तो सही। भगवान की वाणी में, भगवान के वचनों में सीख कहो, वचन कहो, उपदेश कहो। भगवान के वचनों में तुम्हारे दोषों को कहा गया है,
उन दोषों को स्वीकार कर लो, मोह हमें नहीं है। झूठ क्यों बोलते हो, स्वीकार करो मोह है, ये मोह है। हम कसाय थोड़ी करते हैं, तो कसाय नहीं तो क्या कर रहे, वितराग जाए इसे। कुतर्क करके अपने दोषों को छिपाता है, अपने दोषों को भीतर भीतर पुष्ट करता है, ये तेरी प्रवृत्ति आदि अच्छी नहीं है, यह सिख आदर। भगवान ने आश्रम तत्व भी कहा है ना, आश्रम को आश्रम स्वीकार करो, पाप को पाप स्वीकार करो, पुण्य को पुण्य स्वीकार करो, धर्म को धर्म स्वीकार करो। कमजोरी है नहीं छूट पा, बात अलग है, कोई कहानी में से बोलो। ठीक है भरत का राग भले भरत के बस की बात ना हो, लेकिन मां उत्साह कहां से लाए, प्रसन्नता कहां से लाए, जिसको हमारा मन हमारी श्रद्धा अपना नहीं स्वीकार कर रही, जिसे अपना बड़प्पन स्वीकार नहीं कर रही, वह छह खंड की दिग्विजय होने पर मैं हर्षित कैसे हो जाऊं। भले राग नहीं छूट पा रहा, ये मजबूरी है, चारित्र का दोष है, लेकिन क्या करें बोलो। राग को राग तो मानेंगे, राग की निंदा कर रहा तो होगी कि नहीं होगी। एक बात कही थी याद है, आंख में अगर कोई कीचड़ पड़ जाए या तिनका पड़ जाए तो वो तो एकदम तिलमिला जाएगा, तुरंत निकालने लायक है ही, लेकिन पैर में अगर कीचड़ लग जाए तो क्या छुटाने लायक नहीं। बिना पांव के बिना पांव धो चौका में घुसोगे का, क्या मंदिर में घुसोगे। बिना कीचड़ छुटाए हुए आप न मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं न चौके में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे ही बिना अन्याय अवक्ष अनीति आदि को छोड़े हुए, बिना लोकनिंद प्रवृत्तियों को छोड़े हुए, बिना तीव्र कथायों को छोड़े हुए, बिना विषयों की आसक्ति को छोड़े हुए न आप व्यवहार मार्ग में प्रवेश कर पाओगे न परमार्थ। यह सिखा दो, स्वीकार कर लो। बड़ी जल्दी हमारा दोष है, हमारी गलती। देखो कितना जीवन में आनंद मिलता है, रोग का जितनी जल्दी इलाज हो जाए उतनी जल्दी फायदा ही है, और जितनी देर करो उतना अपना ही तो रोग बढ़ेगा। ऐसे ही दोष को स्वीकार करने में जितनी जल्दी होगी शीघ्रता होगी उतनी ही आनंद है, परंतु समझ करके स्वीकार करो। जल्दबाजी में उल्टा सीधा इलाज खतरनाक हो जाता है, ऐसे जल्दबाजी में वैसे ही कह रही वो हमारी गलती हो गई, हमारी गलती है, और पतो कतो कच है नहीं, वैसे ही महाचारी से बोल दिया गलती हो गई, वो क्षमा कर मांगे भी आए, बस हो गई क्षमा। बिल्कुल आदर नहीं है, आदर होता है बिल्कुल नहीं है, ये नहीं कह रहे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, यथा योग्य उठाते नहीं, अरे जितनी ताकत लगना चाहिए उतनी लगा, इतने से काम नहीं चलेगा, देखो उठाते कि नहीं उठा। अच्छा वो भी नहीं रही, वो बहुत भारी है, अरे भारी तेरी अकल खराब है। जितनी ताकत लगना चाहिए उतनी लगे, ऐसी जितनी विनय होना चाहिए उतनी, जितना आदर होना चाहिए उतना आदर चाहिए, यथा योग्य विनय नहीं होना अभिनय, यथा योग्य आदर नहीं होना अनादर, यथायोग शक्ति को छिपाना निजरा तत्व की भूल है, शक्ति को छिपाना नहीं, और शक्ति से ज्यादा कर भी मत बैठना भावुकता में, यानी क्यों ये प्रवृत्ति पड़ गई, कोई हमसे कुछ न कहे तो हम ये सोच रहे हम सही कर रहे सही चल रहे, हम अपनी परिणति को आगम से बैठ करके मिलाना नहीं चाह रहे, यानी किस आधार पर हमने समझ दिया कि हम मोक्ष मार्गी हो गए, हम संयमी हो गए, हम व्रती हो गए, हम त्यागी हो गए, यानी किस आधार पर समझ दिया, कौन से आधार पर था? और फिर सामने हम तो मूर्ख है, मूर्ख हो तो मूर्ख सही बता, समझते हो मूर्ख तुम अपने को,
हमें इतनी बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं होती तो ये बता, अपने घर में घुसना सरल है कि दूसरे घर में चोरी करना सरल है? चोर का बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, कितनी बुद्धि लगाई अपने कितने, अपने घर में तो सीधे घुस में चले आए, दूसरे के घर में घुसने में कितनी बुद्धि चाहिए? कब जी बाहर रहते हैं, कितने से जाए, कितने से चढ़े, तमाम है। तुझे बता, पाप छिपाने की बुद्धि है और पाप दूर करने की बुद्धि नहीं है, अभिमान पुष्ट करने की बुद्धि है और अभिमान छोड़ने की बुद्धि नहीं है तेरी, ये तेरी को बुद्धि है। ऐसे आदर हो, वैसे ही नहीं लिख दिया। जिन वचनों का आदर करने का अर्थ क्या हुआ? जिन वचन में कहे हुए तत्वों का स्वीकार करना। अध्यात्म शैली में बोलो अंतिम अर्थ, जिन वचन में कही हुई उपाधि रूप शुद्ध आत्मा का स्वीकार करना, ये जिन वचनों का आदर है। जिन वचन में कहे हुए उपाधि रूप शुद्ध आत्मा का स्वीकार करना, अनुभव करना, ये जिन वचनों का आदर है, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। जिन वचन में कहे हुए हे रूप पदार्थों को छोड़ना, हे स्वीकार करना, ये भूल है, ये दोष है, ये गलती है, ये अपराध है, महा अपराध है। हा मैं दोष अपराधी, सम्यक ज्ञानी कैसे बोल लो? मैं विज्ञानी फैली विज्ञानी स्वरूपार जो दिन, हा मैं दोष अपराधी, तुम्हारे मुंह में से कभी नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी, ये हमारा भारी अपराध है, भारी दोष है, कभी नहीं निकल सकती। और तो अभी तुम अपने को मान रहे हो कि हमें बहुत आदर है, हमें भक्ति है, हम ही पट्टे। मैंने प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, लगता ही नहीं है इसमें हमारा कल्याण है। बड़ी जल्दी का मतलब बिना समझे कर बैठना है, ऐसा थोड़ी पूरा चले चले तो जा, अब तुम भग रहे। इस जल्दी का मतलब ये थोड़ा ही है, जल्दी का मतलब ये है कहाँ जाना, किस काम से जाना, कैसे जाना, समझ करके। जल्दी का मतलब बिना समझे कर बैठना ऐसा नहीं है, जल्दी में गलती हो गई बिना समझे समझे बुझे, ये भी अभिमान की बातें हैं, ये भी अभिमान है। अभिमान है सो भी अभिमान है, दीनता भी अभिमान है कि नहीं भाई? आप क्या करें, भय भी द्वेष है, भय डर लगता है, माने द्वेष बुद्धि है। जिन जिन को डर लगता है उनको समझ लेना चाहिए द्वेष बुद्धि है। बालक को मां से डर नहीं लगेगा तो शिष्य को गुरु से कैसे डर लगेगा? साहब का चार में एक दृष्टांत दिया, माता पिता के समान जो गुरु जन, उनसे कहा डरना? तुम अपने दोस्त को निशंक होकर के कहो, तुम्हारी शक्ति और पद की, तुम्हारी मर्यादा के अनुसार तुम्हें प्राश्चित दिया जाएगा। और तुम्हें दोस्त को छिपा करके मान दिखना है, मान दोस्त को निकाल करके मान बनना नहीं है, तो फिर हमसे प्रयोजनी का जाओ यहां से। और नहीं भी कहें और तुम भी सोचो और क्या करने कहेंगे हैं, तो एक दिन कर्म ऐसा आएगा जो यहां से हटना पड़ेगा, निश्चित है ये बात। देवसास गुरु नहीं मिलेंगे, बहुत पुण्य है तब मिले हैं, नहीं मिलेंगे। नरक में कहां है, त्रियंचों को कहां है, अपने मनुष्यों में कितने लोगों को देवसास गुरु मिले हैं? कोई खेल खिलौना थोड़ी है, कोई हटाता नहीं है, कोई देता नहीं है, कोई लेता नहीं है, कोई मिलाता नहीं है, सारी व्यवस्थाएं ये लौकिक में बाहर की कर्मों की हैं। यह ऐसे आदर हो, समझ में आया? जिन वचन में कहे हुए हे को हे मानना, उपाधेय को उपाधेय मानना, स्व को स्व मानना, पर को पर मान लेना, स्वीकार कर लेना, यही जिन वचन का आदर है। ओम नमः।